गाइस, आज हम देखेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है। काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन की है। हम इसमें ये नहीं देखते कि मोशन किस वजह से हुआ, हम बस देखते हैं कि मोशन किस टाइप का है, और हम अपना जेन नहीं लड़ाते कि ये मोशन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। उसके लिए हमने एक और सारी एनालिसिस, पूरा स्यापा हमने डायनेमिक्स में रखा हुआ है। तो हम काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम ये जो हमारा मोशन, यहाँ से मोशन काज हुआ है, ये मोशन कौन सा मोशन था। सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इसके ऊपर मैंने कितनी फोर्स लगाई, क्या हुआ, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो काइनेमेटिक्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन में क्या फ़र्क है? जैसे ही नाम से जाहिर होता है, रेस्ट का क्या मतलब है? एक चीज़ का हरकत ना करना, और मोशन का क्या मतलब है? दूसरी चीज़ का हरकत करना। लेकिन हम इसको साइंटिफिकली ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक चीज़ हरकत नहीं कर रही अपने इर्द गिर्द के लिहाज से। ये जो वर्ड है कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ये बहुत हैवी वर्ड है। इस वर्ड की वजह से एक होल न्यू टॉपिक जो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है। व्हाट इज दिस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। सबसे पहले हम रेस्ट को समझते हैं। रेस्ट क्या है कि अगर आप अपनी पोजीशन ही चेंज करें अपने सराउंडिंग के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बस में बैठे हैं तो आपके लिहाज से आपके साथ वाला बंदा क्या है, आपको रेस्ट की हालत में नजर आएगा, लेकिन बाहर वाले आपको क्या समझ रहे हैं कि आप एक मोशन की हालत में हो। और सिमिलरली मोशन भी ये है कि अपने सराउंडिंग के लिहाज से एक चीज़ मोशन में। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें बताते हैं कि हम टाइम को कैसे डायलेट कर सकते हैं, मतलब टाइम कैसे रुक सकता है, हम टाइम के रुकने की वजह से हमारे मैसेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर टाइम रुक जाएगा तो उसकी वजह से क्या क्या असरात होंगे। ये हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताते हैं। इसके बारे में फर्दर स्टडी के लिए आप गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब पर लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास सबसे पहले रहता है ट्रांसलेटरी मोशन, जिसकी आगे फर्दर थ्री टाइप्स हैं। हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है लीनियर, जो एक लाइन से निकला है, लाइन लीनियर, एंड व्हाट इज दिस रैंडम एंड सर्कुलर, और फिर हमारे पास आ जाता है रोटेटरी मोशन, और हमारे पास आ जाता है वाइब्रेटरी मोशन। इसको सबसे पहले समझते हैं लीनियर से मुराद क्या है। लीनियर से मुराद है एक स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर ये मैं स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ मूव कर ली तो मैं कह दूंगा वो एक लीनियर मोशन से मूव कर रही है। रैंडम मोशन भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का होता है, लेकिन वो हम प्रडिक्टिव नहीं होता, मतलब कभी इधर जा रहा है। और अगर ये गैस का मॉलिक्यूल है पर्टिकुलर, तो हम कह देंगे ये ब्रोनियन मोशन है। और व्हाट अबाउट सर्कुलर, अभी तो हम लाइंस की बात कर रहे हैं, वो सारा ट्रांसलेटरी है, तो सर्कल इस कंडीशन में कैसे फॉल करता है? सर्कल के लिए हम ऐसे देखते हैं, हम इसको समझने की ऐसे कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्कल और रोटेटरी हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है, क्योंकि सर्कल और रोटेटरी हमारे ब्रेन में ऑलमोस्ट एक ही है। सर्कल के बारे में देखते हैं, जैसे कि हमारी अर्थ एक राउंडेड ऑब्जेक्ट है, हमारा अर्थ भी एक सर्कल की तरह है, तो क्या होगा, हमें अर्थ क्या नज़र आती है, फ्लैट नज़र आती है, क्योंकि अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स में देखूं, मुझे अर्थ एक लीनियर बिहेवियर ही शो करती नज़र आती है। तो मैं सर्कल को एज लीनियर, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास सर्कुलर मोशन भी इन छोटे छोटे की वजह से क्या आ जाता है, ट्रांसलेटरी मोशन में आ जाता है। सो व्हाट अबाउट रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में मैं क्या कहता हूँ, स्पिन की बात करता हूँ, कि एक चीज़ कैसे स्पिन कर रही है। जैसे हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे ही स्पिन कर रही है, तो जो स्पिन है एक्सिस के अराउंड, वो हमारे पास रोटेटरी मोशन होता है। सो व्हाट अबाउट वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में जैसे मोबाइल वाइब्रेट होता है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे वाला मोशन, उसको मैं क्या कह देता हूँ, वाइब्रेटरी मोशन।